बस वो प्लेयर है जो कवर कर सकते हैं अगली बॉल पे, और मैंने बोला था कि अहमद कवर कर सकते हैं और ये बाहर। ये और ये छक्का, एक छक्का और लगता है तो 20 रन का एवरेज आ जाएगा। ओए बहुत आला यार अदील। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अच्छा और बड़ा टूर्नामेंट है, 6,000 रुपए एंट्री है और विनिंग कितनी है उस्मान? 25,000। और उस्मान को विनिंग याद रहती है, उस्मान लव। अबे मुझे खुद नहीं पता। मेरे साथ तो मौजूद हैं कराची के लोगों ने स्पेशलिस्ट फहद, और हम लोग खेलने आए हैं की टीम से। और हमारी पहले बैटिंग है, चार नहीं पाँच ओवर की। कोशिश ये रहेगा यहाँ पे 100 रन करें, अगर नहीं करते तो हम नहीं बच पाएंगे। मजे की बात ये कि आज आपको टैलेंट देखने को मिलेगा लेकिन किसी और टीम से। चेक करें आप, ये भी किसी मैं किसी और टीम से हूँ। छापा छापा मारा, मारा इन्होंने छापा मारा, हमने इनका छापा मारा। अहमद गुड्डू हमारे साथ है, नासिर हमारे साथ है, उस्मान किसी और साइड से है, रोहान स्पोर्ट से। पहला मैच जीत गए ये लोग और 113 रन किए थे, हमें भी इतने रन करने तो हमारी बचत होगी, बाकी लेट सी क्या होता है। ये बेरस को बुलाओ ना, इधर आओ जरा भाई, ओवर बचाएंगे ना यार। अबे यार ये क्या, कौन छोड़ देता है इसको बैट? इनके पास बॉलर कौन है ये तो बताओ। इनके पास बॉलर एक अहमद है, एक अदील और एक पार लगा। फैसल को नहीं गिना तुमने? फैसल का है वो, उनकी तरफ से बॉलर भी होता है ना। और ये इसको नहीं गिना, ये कौन सा बिलोगे? ये भी बताइए, बिलोगे ये बिलोग वाला है। अहमद क्या कहते हैं, थोड़ा सा सीरियस आ जाए मैच यार। मैं क्या कहूँ कि अकेले भाई की साइड अच्छी साइड है, हम लोगों ने उनके साथ खेला भी है तो हम उनका। फिर भी तुम ये बोल ले यहाँ से, कुछ और बोल रहा था वो बताओ जो होटल में बोल रहे थे तुम। ऐसी साइड है कि इंशाल्लाह अगर हमने 80 रन करे ना, 113 रन भी नहीं डाला, अगर हमने 80 रन भी करे ना इंशाल्लाह हम लोग डिफेंड कर सकते हैं। चलो भाई ये आसानी हो गई कि आपको 15-15 के एवरेज से भी खेल सकते हैं, लेकिन ये ग्राउंड में आपको बताऊँ यहाँ पे 20-20 के एवरेज से ही खेलने की कोशिश करो। बाकी लेट्स सी क्या होता है, हमारी पहले बैटिंग है, देखते हैं कौन जाता है। और अहमद तो कॉन्स्टेंट है भाई, ये तो ओपनर ही है, फहद भी जा सकता है। धूप देना सोलर की, आ जाओ भाई दुआ करो यार, आ जाओ दुआ करो। बैटिंग है, देखो बैटिंग है, बैटिंग में ठंडा की साइड में ली है, बैटिंग क्या है, बैटिंग है या बॉलिंग, जो भी आपको दोनों चीजें करनी है। बात यह आपने इस ग्राउंड में पहले जो चीज रिकॉर्ड है कि 11 रन बनते हैं, 11 रन बनाने 50 आपके ग्राउंड नहीं है, ये सारा दत्त पे आप बोलोगे नहीं, आप 80 रन करा सकते हो। आपका अहमद है, अदील है, नासिर है, ये क्या है उसका मतलब, ये चार पास ये पांच लड़के हैं आपके भाई, तो हूं तू भी यार अभी मजाक बेटा बहुत नीचे है अभी रुक जा। तो ये कि भाई रन आप डालोगे और बॉलर में आपके पास भी फैसल है, बॉलिंग में वैसे ही आदी हो जाए, वो बताइए। हां नासिर बहुत खराब है, इसलिए भाई रन के लिए बनाना और रन के लिए खेलना से कम पे तो बात ही नहीं है, कसम शक्लें देखो लड़कों की, ऐसा लग रहा है अम्मा ने मार के उठाया। अपनी दिखा देने में ऐसी हो रही है। जिन मैंने ऑकलैंड के पहले मैच में बैटिंग करी, मुझे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं दोबारा ओपनर भी, उनको पता नहीं है सरदार विंटरलैंड में आए हुए हैं। यही काम रह गया मेरा चांडू की तरह। मैं अभी अब राउंड का पहला मैच हमारा स्टार्ट हो गया और अक्खन भाई की टीम से मैच है। अहमद और अदील गए हैं बैटिंग पे, 5 ओवर का मैच है और यहाँ अच्छे खासे रन बनते हैं, मतलब 100+ रन यहाँ बनते हैं, तो कोशिश यही होगी कि इनकी भी 100+ करें, लेकिन 80-90 के बीच में रन बनते हैं तो बुरे नहीं हैं। पहला ओवर शानी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है अहमद फेस करेंगे। सिंगल, अदील आ गया स्ट्राइक पे, दिन का पहला बॉल फेस करेगा। काफ़ी बड़ा तो नहीं बोलेंगे लेकिन मुनासिब ग्राउंड है। वाइड बॉल, वाइड बॉल और एक बॉल पे आ गए 2 रन।
एक बॉल दो रन हो गए, दूसरा बॉल करेंगे शानी। ओए ड्रॉप, ड्रॉप हो गया आदिल का कैच। पांच ओवर में एटलीस्ट कप्तान ने बोला है कि 80 रन करके आना, 80 रन पे फाइट होगी, प्लस हो जाए तो अच्छे। तीसरा बॉल, ये पहला छक्का, फाइनली पहले ओवर का पहला छक्का लग गया है भाई, और 9 रन हो गए 3 बॉलों पे, 8 हो गए, 8 3 पे 8 हो गए। ये हमारे बॉयज खड़े हुए सारे, तीन बॉल है, 8 रन हो गए, चौथा बॉल करेंगे शानी आदिल को। ये और ये छक्का, शानदार छक्का आदिल का, 4 पे आ गए 14, बहुत अच्छे आदिल। एक छक्का और लगता है तो 20 रन का एवरेज आ जाएगा, जो कि यहाँ नॉर्मल सी बात है। ओए बहुत आला यार आदिल, ये तीसरा छक्का भाई बैक टू बैक आदिल का, बहुत अच्छे आदिल। 20 रन हो गए भाई, एवरेज तो इस ओवर का पूरा हो गया। और अहमद सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही है अभी तक। ओए अच्छा बॉल था, लिफ्ट नहीं हुआ, सिंगल बनेगा। 21 हो गए भाई, सही है, रन अच्छा है, बल्ले पे अच्छा कंटिन्यू करिए, शाबाश सही है। इंशाल्लाह इधर आए, मेरे पास आए आप, पता पहले ओवर में 21 हो गए, कितने बनने चाहिए हमारा ये कि हमारी बॉलिंग थोड़ी वीक है, क्योंकि बॉलिंग नहीं है, तो मेरा ये कि इंशाल्लाह हम 100 परसेंट तक ऊपर जाएं, तो ये कि 100 प्लस हो जाए तो अच्छा है। 100 प्लस, क्योंकि हमारे पास बॉलर नहीं है, हमारे तीसरे ही बॉलर है अहमद, ज्यादा से ज्यादा रन मिल जाए बॉलर को, तो मिल जाए जो ग्राउंड ऐसा है कप्तान रन बनते हैं। हाँ ये तो है, चले भाई कप्तान ने भी बोला है कि 100 रन बनने चाहिए ताकि बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रन मिलें और इजीली बॉलिंग कर सकें। फौजान है, फौजान फौजान आ गए हैं भाई दूसरा ओवर करने के लिए, और आदिल फेस करेगा वाइड बॉल, वाइड बॉल बहुत ऊपर कर दिया उन्होंने सर के ऊपर से, ये फौजान है, फौजान ने पहला बॉल वाइड किया था, इनको अलाउ भी हो गई है, पहला ऑफिशियल बॉल करेंगे। ये बहुत आला यार, ये था बेस्ट छक्का अभी तक का, बहुत अच्छा आदिल, ये बहुत अच्छा बॉल था और बहुत अच्छा छक्का मारा है आदिल ने इस बॉल पे। अब नीचे करने के अलावा कोई हल नहीं है बॉलर के पास, वाइड बॉल दोबारा सामने आने से डर रहे हैं बॉलर, पीछे पीछे कर रहे हैं, और पीछे से एक छक्का अच्छा मार दिया आदिल ने। अब ये कि सामने के बॉल के लिए रेडी रहना पड़ेगा आदिल को, बहुत आला यार रेडी, क्या बात है यार। डरावना मैं बताऊंगा क्या कह रहा है, इधर आओ, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ग्राउंड में खेलो, मैं बोलता हूं सुबह सुबह इसने लाठी चार्ज कर दी है, आज सुन अब सिर्फ ग्राउंड में खेलेंगे। दो बॉलों पे दो बेहतरीन छक्के, और ये यार मैं वो पकड़ियो नहीं, अरे ड्रॉप, ड्रॉप कर दिया आदिल का कैच छुकर। अहमद की बारी में छिलके आ गए वहां पे केले के, गिर गया उसका।
वो देख बुला रहा 15 प्रो मैक्स तोला 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 आ गए तीन पे आ गए 16 पहले के 21 37 टोटल हो गए और ये वाइट फंबल और ये रन बन गया इस पे 18 आ गए तीन बॉलों पे ही तो 3 छक्कों का एवरेज हो गया उस्मान हां ना 600 का स्ट्राइक रेट चल रहा है भाई मुझे लग रहा 100 हो जाएंगे क्रॉस कर जाएंगे 100 तो होने चाहिए यार और उनके पास इतनी कोई खास बैटिंग नहीं है 70-80 भी हो जाए ना तो उनके लिए बहुत है ताकि बॉलर थोड़े रिलैक्स हो जाए अहमद बड़े प्लेयर स्ट्राइक पे और अरे दो हो गए है ना उसको खेलने दे दो रन हो गए चार पे आ गए 20 दो बॉलर रहती हैं दूसरे ओवर की रन तो अच्छे हो गए बट जितने बनते रहे उतना अच्छा है फौजान परेशान है कि दो बॉलें कैसे बचाऊं पांचवा बॉल और ये एक और छक्का अहमद का ग्राउंड से बाहर शानदार छक्का क्या बात है अहमद एक्सीलेंट कप्तान अहमद बेग बड़ी शानदार यार ये मैं जब बोल रहा था तो उनको क्या जरूरत थी यहाँ से बोलने की तुम्हें कमेंट्री नहीं करने देंगे यानी हमारा आईफोन ना पकड़ता है आवाज लास्ट बॉल दूसरे ओवर का अरे है ये अहमद का गैप पे खेलने की कोशिश थी लेकिन फील्डर मौजूद यकीनी तौर पर एक रन करेगा अबे बन जाता है यार दिल नहीं नहीं हम अपनी करेंगे हमारा आईफोन ज्यादा आवाज पकड़ता है भाई फैसल भाई मैच में आ जाओ यार 48 रन हो गए क्या करना है 48 हो गए दो में दस रन कम है अभी 30 होते तुम बोलते 40 कर दो तीसरा ओवर स्टार्ट हो गया और फराज आया बॉल करने के लिए लेफ्ट आर्म बॉलर है बॉलिंग पर मौजूद है अहमद फेस करेंगे अच्छा बॉल ऑफ स्टंप का यॉर्कर था मिस कर गया अहमद अच्छा बॉल था बट रन्स अच्छे हैं एक आध डॉट चल जाएगी कोई मसला नहीं है ऐसा डॉट का अहमद वो प्लेयर है जो कवर कर सकते हैं अगली बॉल पे और मैंने बोला था कि अहमद कवर कर सकते हैं और ये बाहर ये गिरा छक्का अहमद का कमेंट्री बॉक्स पे दो बॉले 6 रन अहमद विकेट पे हो और बाउंड्री ना लगे तो फिर मैच में मजा नहीं आता दो बॉले 6 रन तीसरा बॉल करेंगे फराज एक बार फिर हाँ हाँ ये कर दी खड़ी है अहमद ने इस बारे में जावेद भाई आपसे और ये ड्रॉप कर दिया फराज भाई ने वेट कर लो तीन बॉले 8 रन कैच ड्रॉप हो गया अहमद का और अहमद को अब ये अवेल करना पड़ेगा 2.5 ओवर जो रहते हैं कप्तान बार बार समझाने के लिए जा रहे हैं कि तुम्हारी विकेट इम्पोर्टेंट है विकेट पे खड़े रहना 2.5 ओवर रिमेनिंग अब जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा और इजाफा उस तमाशाई के तादाद ये ग्राउंडेड शॉट लगा था अहमद का और सिंगल बनेगा इस पे और लेकिन एक समय के लिए सोचा जरूर था लेकिन फराज भाई ने 4 बॉले अभी तक तो अच्छी की है 4 पे अच्छी बॉल थी 4 पे 7 आए 9 सही हाँ एक डबल बना था 4 पे 9 आ गए अदील स्ट्राइक पे आ गया अदील के बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है आज और ये सिंगल बनेगा फुल टॉस था लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ अच्छा इसमें थोड़े रन कम आए हैं 10 रन आए एक छक्का लगता है तो अच्छा हो जाएगा 16 आ जाएंगे इसमें शाबाश अहमद एक लेना है इसमें और आज 5v1 का जो ग्राउंड है वो यार कमेंट्री भी भरपूर चल रही है भाई सफाई सुथाई बिल्कुल दिखाई दे रही है बहुत आला अहमद खूबसूरत तरीके से ये बाहर ओ इस तरह रन हो गए 64 कितने हो गए टीम में 64 अली आ गए हैं बॉलिंग पे चौथा ओवर करने के लिए तीन में हो गए 64 और अदील स्ट्राइक पे है कोशिश ये है कि एक बार फिर बॉलर तैयार हैं विकेट पर पहुंचे गेंद करेंगे और उसे खेल फ्लिक किया अदील ने और ये 4 हो गया भाई एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा आज जो बॉल बल्ले पे लग रहा है तो वो बाउंड्री के ऑलमोस्ट बाहर जा रहा है पहुंचे दिल
पहली बॉल पे चौका लग गया अली के, और दूसरा बॉल करेंगे अली। एक बार फिर आए डबल हाथ घुमाते हैं, वाइड बॉल, पैर का इशारा वाइड बॉल, वाइड बॉल लेग स्टंप का, पूरी तरह कंट्रोल में। एक बॉल पांच रन हो गए, चौथा ओवर चल रहा है, एक बार फिर तैयार है, आए और फिर वाइड, एक बॉल छह, पैर का इशारा, सीम्स लाइक अदील ने छक्का मार दिया इस बॉल पे। एक पे आ गए छह और 20 रन इसमें और आ जाए तो मजा आ जाए। और एक और वाइड बॉल, वाइड बॉल, बॉलर अपनी लाइन थोड़ी मिस कर गए, पहला बॉल लाइन में करके फिर बैक टू बैक तीन चार वाइड्स कर दिए इन्होंने, शायद बॉल बचाना चाह रहे हैं कि कहां से बॉल बचा लूं मैं। 16 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, बॉल आए और स्टार्ट लिया है, विकेट पर पहुंचे, शॉट गेंद थी, अच्छा बॉल, फाइनल की जानिब, सिंगल बनेगा, एक रन गलत महदूद किया, चार बैट्समैन हो गए, चार हो गया भाई, वहां पे लाइन बनी हुई है, ये वो बंदा वो खड़े है भाई, पूछ लो कंधे पे बॉल, लाइन बनी हुई और लाइन के बाहर से फील्डर ने बॉल पकड़ा है, लाइन पे खड़े होके लाइन के बड़े बड़े बंदे भी खड़े हैं, बॉल का इशारा देखना पड़ेगा, भाई बाहर से लोग ये बोल रहे हैं कि चार हो गया, और अभी चेक करने गए हैं अखन भाई और कप्तान, चार हो गया भाई, एक बार का इशारा देखना पड़ेगा, हेतु का चार रन दे दिए हैं, जी हां चार हो गया भाई, कंसीड की एक और बाउंड्री आ गई इस ओवर में, और इस तरह इसमें ऑलमोस्ट 10 रन आ गए, 11 रन आ गए शायद, टीम एम्पायर ने चार रन दे, 2-10 11 दो पे आ गए, 11 और दो बॉलों पे ऑलमोस्ट दो छक्के लग गए, ये तो तीसरा बॉल करेंगे अली बॉडी पे और ये सिंगल बनेगा, बड़ी शानदार थी, कदई समझ ना सके और बड़ी जल्दी रन कंप्लीट किया, जी समझ ऐसा बॉल विकेट पे लग जाएगा और रुक गया था इसलिए, खैर अहमद स्ट्राइक पे आ गया है दोबारा, और चौथा बॉल अहमद फेस करेगा अली का, अब देखते हैं कि अहमद किस तरह डील करता है अली को, तीन बॉलें रहती हैं और दो छक्के अगर अहमद मार दे इसको, तकरीबन आ चुकी है और 55,000 चौथा बॉल करेंगे स्टेडियम में बैठने की, और ये मैच जारी है, अच्छा बॉल था ये, अच्छा बॉल था, इधर ड्राइव क्या है, इन विकेट की जानिब, दूसरा रन जल्दी करना पड़ेगा, रन बड़ा हो रहा है, सिंगल डबल से निकल गई और डबल बना इस बॉल पे, चांस मिला बैट्समैन को, और 12 और 14 आ गए इस ओवर में, पांच बॉलों पे 14 रन आ गए, अली ने एक्स्ट्रास के बावजूद अच्छा ओवर कर दिया, ये एक दो चौके इनको लगे, हर जगह से इसमें इनका साथ दे रहे हैं, पुल किया है और क्या अहमद आउट हो गए भाई, यहां क्या आउट हो गए, अहमद आउट हो गया है, जाल इस पर गए गए नुकसान, और टोटल हमारे हो गए 78 64 थे, नेशन लगवा दिए, अबे हां भाई चीखे ही जा रहा है, चीखे जा रहा, और ये क्या, और ये ये मैं अबे भाई करवा दो, बात कर लो, नहीं मैंने बोला है, मत को बोल रहा है, बोल रहा गाने बंद करवा दिए, बस काफी है, उसको बोलता हूँ, पांच होने सही है, पांच पे 14 रन आ गए, और नासिर जिनको आपने पहले भी एक दो मैचेस में देखा होगा हमारी टीम से, यहाँ भी अभी लास्ट बॉल खेलेंगे चौथे ओवर का, अच्छे बैट्समैन है, बड़ी हिट मारना जानते हैं, पहला बॉल और ये फील्डर आए और एक रन, बड़ी ओ सुनैन की अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन, बड़ी खराब फील्डिंग का बता रहा, जो फील्डर को लूज, 16 रन इसमें आ गए भाई, 80 रन हो गए चार ओवर में, और वहाँ डिस्कशन चल रहा है कि लास्ट ओवर कौन करेगा जो कम से कम पे कर दे, और फराज भाई दोबारा करेंगे शायद ओवर, क्योंकि इन्होंने 10-12 रन पे ओवर किया था या 14 रन पे, और सबसे कम रन पे किया था इन्होंने ओवर, तो इनको दोबारा बुलाया, और अदील के बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है, तो कप्तान ये बोल रहे हैं कि स्ट्राइक रखना अपने पास और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाओ, तकरीबन 20 रन इसमें आ जाए तो 100 हो जाएंगे हमारे, अस्सी रन जो बने हैं वो सेकंड इनिंग में इतना आसान नहीं है बनाना, क्योंकि सेकंड इनिंग में प्रेशर होता है चेस करने का, 20 रन पर ओवर आसान नहीं है, खैर फराज आ गए हैं लास्ट ओवर करने के लिए, अदील फेस करेगा, नासिर रनिंग एंड पे है, पहला बॉल लास्ट ओवर का
अच्छा शॉट और ये ड्रॉप कर दिया अदील का कैच। ड्रॉप हुआ है यहाँ पर, फील्डर आए थे नासिर स्ट्राइक पे आ गए। शॉट अच्छा निकाला था अदील ने गैप से, रनिंग में थे फील्डर। नासिर भी अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा मुकाबला जा रही है 5v1 में। लाइव भी एक बॉल जा रही है, एक रन लास्ट ओवर चल रहा है और वो खुद दूसरा बॉल करेंगे। और ये अच्छा बॉल टो पे बॉल किया था, खेल दिया है फाइन लेग की जाने, सिंगल किया है भाई अदील ने। अदील ने बोला कि चार बॉले मैं खेलूंगा। तीसरा बॉल लास्ट ओवर का, अरे हाय स्लो वन था, पिक नहीं हुआ, फिर खेला में फाइन लेग बाउंड्री, सिंगल बनेगा, एक और रन मिल जाएगा भाई साहब। सिंगल अभी तक फराज ने अच्छा ओवर किया है, बगैर बाउंड्री के तीन बॉले किए और अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, बैट्समैन तैयार हैं, बॉलर भी तैयार है, गुड बॉल, अच्छा बॉल था ये, भारी किनारा लेने के बाद कीपर भाग रहे हैं, दूसरे रन के लिए भी कंप्लीट। चार पे आ गए पांच, एक बाउंड्री इसमें लाजमी है। चार पे आ गए पांच, नासिर स्ट्राइक पे आ गए दोबारा। किसका शॉट है? एक रन शॉट है भाई। एक रन शॉट दिया है अंपायर ने और इस तरह चार पे आ गए चार। पांचवा बॉल करेंगे फराज, फिर बॉलर तैयार हैं और बैट्समैन भी तैयार हैं। ये अच्छी गेंद थी, लेग अंपायर कौन है पता ही समझ ना सके। और एक 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 रन, फुल टॉस था और मिस कर दिया नासिर ने, क्लोज था, नो दे सकते थे अंपायर। पांच बॉलों पर पांच रन दिए, पांच पे पांच दिए, मैच ओवर कर दिया भाई फराज ने अक्कन स्पोर्ट्स की जानिब से। खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए लास्ट बॉल अदील फेस करेगा और बाउंड्री ले ले अगर तो फास्ट बॉलर भागते हुए, ये बहुत अच्छा छह रन मिल जाएंगे, फुलटास गेंद थी, बहुत अच्छे अदील खेल दिया छह रन के लिए, बहुत आला एक्सीलेंट बैटिंग। सो गाइस ऑलमोस्ट 92 रन हमने किए हैं पांच ओवर में और सारा गेम ये है कि अगर बॉलर यहाँ तगड़ी बॉलिंग करते हैं तो बचेगा क्योंकि ग्राउंड में रन लगते हैं। सारा गेम पहले दूसरे ओवर पे अगर ये लोग रन कंसीड करके तो मसला हो जाएगा। कोशिश करेंगे ये मैच जीते सेमी में जाए, हार गए तो बड़ी लंबी होगी, फिर हम लूजर टू लूजर वाले ग्रुप में चले जाएंगे। अक्कन भाई के जो बैट्समैन है काशिफ भाई आ चुके हैं और हसनैन भाई, और मैं इस एंड से इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रॉडकास्टर बैठे हैं और वो थोड़ा तेज़ बोलते तो हम थोड़ा दूर हैं। बाकी ग्राउंड का ओवरऑल व्यू दूँ तो मैं पूरा ऑलमोस्ट ग्राउंड है, बस पीछे का डीप थोड़ा सा दबाव है, मतलब बाउंड्री से यहाँ तक की ये जो पोल दिख रहा है ये पूरी जो पट्टी है ये दुग्गी है और क्राउड भी काफ़ी खड़ी हुई है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखो बाबू हमारे कीपर खड़े हैं और अब मैच शुरू हो चुका है। पहला ओवर दिया गया है नासिर को, नासिर करेंगे पहला ओवर, बाकी लेट्स सी क्या होता है, कैसे रन बनते हैं। और गर्मी के मारे मेरी जान निकली जा रही है, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे बीपी लो वगैरह हो रहा है मेरा, और जब मेरा बीपी लो होता है तो मेरी आई साइड गिर जाती है, गिरने से मतलब मुझे प्रॉपर नहीं बॉल दिखता, एक जगह आई साइड में ठहरती नहीं है। मैच स्टार्ट हो गया, 92 रन का टारगेट है। ओ हो पहली बॉल पे ही कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से छक्का भाई, क्या शॉट है भाई काशिफ भाई ने, दिखाई अपनी यहाँ पे क्लास तरीके से निकाला है 6 रन के लिए। वहाँ पे कमेंट्री जारी, जितनी तारीफ की जाए वो यकीनन कम है। एक बॉल 6, और ये बॉल टच है, वाइड बॉल, एक टच नहीं रही, वाइड बॉल, एक ब�ल 7 रन। फिर एक बार फिर खेलना चाहते थे और देखना पड़ेगा फैसल की जानिब से गुड फील्ड, दो बॉल 8 रन मौजूद है। तीसरा बॉल करेगा नासिर, अच्छा बॉल, विकेट आ गए और ये 2 रन मिल जाएंगे दुगी। और जी हां अंपायर का इशारा 2 रन, 3 बॉल है 10 रन, बाकी लेट्स सी क्या होता है। एक बार फिर तैयार है, ओ हो क्या शॉट मारा है भाई, दाद देनी पड़ेगी इस शॉट पे यार, 6 रन के लिए उद्धम शॉट है हसनैन भाई की जान, पैर के पास से उठाया, बिल्कुल पैर के पास, कमाल की बैटिंग, 92 के हदब, 4 बॉल 16,
चार बॉलें 16। एक बार फिर रिकॉर्ड शॉट यार, बड़ा खूबसूरत तरीके से तगड़ा छक्का यार, उस घर के अंदर बॉल गई है वो जो आपको 10 दिख रही है। कमाल की बैटिंग, 5-22 हसनैन भाई की जानिब से बहुत ही अच्छी बैटिंग, ऐसी बैटिंग जो देखने को बहुत कम मिलती है। ओ ये अच्छा बॉल, बाबू गए 1 ओवर 23 रन भाई, पहले ओवर में ही 23 रन लग चुके हैं और बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ से कवर अप करना, क्योंकि 23 रन निकालो आप 92 में से तो पीछे बच जाते हैं 69 रन, डिफिकल्ट है भाई अभी भी मैच हमारे लिए डिफिकल्ट है। फैसल को लाया गया है ओवर पे, वाइट बॉल बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा बगैर बॉल के एक रन, वाइट के साथ इस्तेमाल किया था ओवर का, ओवर में ये अच्छा बॉल अंपायर का इशारा है, कौन भाई वाइट बॉल दिया भाई अंपायर ने, शायद डायरेक्ट है यहाँ पे, बगैर बॉल के 2 रन और फैसल करेगा अपना पहला बॉल लेकर और फिर वाइट बॉलर अपनी लेंथ को कंट्रोल, बगैर बॉल के 3 रन, बगैर बॉल के 3 रन आ चुके हैं अभी तक फैसल के, और फैसल ने अभी तक एक भी लीगल बॉल नहीं किया, बैट्समैन तैयार हैं, पहला लीगल बॉल खेलना चाहते थे और मिस टाइम हुए और रन आउट हो गया, खतरा पहला बॉल बचे और ये सिंगल, एक बॉल 4 रन, एक बॉल 4 रन फैसल को लग चुका है, स्कोर 27, दूसरा गेंद करेगा फैसल, कॉर्ड शॉट मिड विकेट बॉल गुजारी हवाई यात्रा में, फैसल का एक कॉर्ड शॉट, दो बॉल 10 रन, दो बॉल 10 रन और तीसरा गेंद करेगा फैसल, तीसरा गेंद देखते हैं फैसल कैसा करेगा, बॉलर एक बार फिर तैयार है, राउंड नंबर 8 से पुल किया है, स्लो गेंद था, कैच आउट हो गया, कप्तान ने आउट कर दिया, खूबसूरत कैच लिया है, आउट हो गया भाई 3-10, चले भाई फैसल चौथा बॉल करेगा अपना और आते के साथ डॉट बॉल, 4-10 बीट कर गई फैसल, अगर यहाँ 2 की 2 बॉले बचा लेता तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अगर यहाँ दोनों बॉले बचाता है फैसल, 4-10 नए बैट्समैन सामना करेंगे फैसल का, 5वां बॉल करेगा फैसल और अच्छा बॉल और हवा में कैच, कप्तान नीचे और बहुत बड़ा छक्का कैच कर लिया, अरे कैच कर लिया ये, अबे भाई कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया भाई, कैच ऑफ द टूर्नामेंट यार, नासिर की जानिब से बैट्समैन हैरान और परेशान, क्या कैच पकड़ा है भाई, क्या कैच पकड़ा है यार, क्या कैच पकड़ा है नासिर ने, नए बैट्समैन आए भाई इनके, ब्रॉडकास्टर बोल रहे हैं मोहम्मद वसीम काफी अच्छे बल्लेबाज है और 5-10 है, देखते हैं ये अपनी क्लास शो पकड़ पाएंगे या नहीं, 5-10 फैसल और ये आते के साथ ही 16 रन, 16 और 23 39, बाबू 2 ओवर में 39 हो गए, 53 रह गए 3 में, क्या कहता है यार, फहद हमारा है, फहद का मैच हो रही, अगर फहद 10 से 15 के ओवर अंदर भी करता है ना तो ये मैच हमारी तरफ आ सकता है, क्योंकि लास्ट 2 ओवर जो है ना, सही कह रहा है, सही कह रहा है, 3 ओवर 53 रन, 18 बॉल है 53 रन, मौजूद है विकेट पे हसनैन भाई और वसीम भाई, बॉलिंग करेंगे फहद, तैयार है बॉलर, बैट्समैन तैयार है, 92 का टारगेट, तीसरा ओवर करेंगे, विकेट पे पहुंचे, अच्छा बॉल फहद का, बहुत अच्छा फहद, बहुत अच्छे, कोई रन बनाने का मौका नहीं, डॉट बॉल, एक बॉल 0, फाद करेगा दूसरा गेंद, विकेट पे पहुंचे और शॉट और दिए बने और बने, नो बॉल दिया, 2 रन मिल जाएंगे, 1-2 हो गए, 1-2 रन, फहद करेगा अपना दूसरा बॉल ओवर का, विकेट पे पहुंचे, अच्छा बॉल, अच्छा बॉल, अच्छा बॉल फहद की जानिब से, 2-2 शाबाश फहद, 2 बॉले 2 रन, अच्छा कैच कर लिया भाई पसीने वहां पर,
और फहाद विकेट ले उड़े वसीम भाई की, डेंजरस वसीम भाई जिन्होंने आते के साथ छक्का मारा। ये चेक करें, मुंह से गाना गा रहे हैं ये हमारे लिए, क्योंकि हमने इनको मना करा कॉपीराइट ना लगे। बल्लेबाज हुसैन आ गए सामने मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये और बैटिंग भी काफी अच्छी करते हैं। इन्होंने आते ही पहला काम जो किया वो कैमरे में देखा है कि चल रहा है या नहीं चल रहा। फहाद की 3 बॉलों पे 2 रन है, अगर यहाँ पे बाउंड्री लेस अवर कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी देखते हैं हुसैन कैसा खेलते हैं। हुसैन ऑन स्ट्राइक, फहाद करेंगे गेंद, 3 बॉलें 2 रन। ओए यार बाबू, वेल ट्राई वेल ट्राई, सही है फहाद, बहुत अच्छे, 4 पे 3 है। फहाद ने अभी तक मैच ओवर कर दिया, 4 बॉलों पे 3 रन देके जा चुके हैं। देखते हैं कि कैसा बॉल करेंगे, और एक और अच्छा बॉल, अच्छा शॉट खेला है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आउट कर दिया भाई, आउट कर दिया, भागे थे ये आउट कर दिया वहाँ पे, पहुंच नहीं सके, नहीं हुआ भाई चौका। इस तरह ये हुसैन के लिए भागे, फहाद का ड्रीम ओवर अभी तक 5 बॉलों पे 4 रन देते हुए। फहाद ने अभी तक बहुत अच्छा ओवर करा भाई, 5 पे 4 और ये छक्का लगा, लेकिन नॉट बैड, 10 रन का ओवर करके मैच में लेकर आए वापसी, पीछे बचे हैं 2 में 43। देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं फहाद, वेरी वेल बॉल बॉय। कहते हैं फहाद ने मैच ओवर करा है, कर दिया 10 रन के अंदर 43, मतलब अब 22 दरकार, 6 छक्के टोटल मारने पड़ेंगे अगर इनको मैच जीतना है। 7 छक्के मेरे भाई, 7 छक्के और सामने है मुतैयब, न्यू एंट्री, लेफ्टी वर्सेज लेफ्टी। चलें भाई फेस करेंगे मुतैयब, अच्छा बॉल मुतैया, बाबू मार दे, आउट दे, बहुत अच्छे भाई, वहाँ आउट दे दिया भाई, क्या बात है यार, शार्पनेस फ्रॉम बाबू, सेव्स अस दैट मैच, क्या बात है यार बाबू, बाबू की शार्पनेस ने और हाथ दिमागी ने हमें मैच में वापस लेकर आ गए बाबू, अलग यार, लवली यार, लेजेंड आ चुके हैं बैटिंग पे, अक्कन भाई काफ़ी सालों से क्रिकेट में है और हर दूसरा जानता है इनको, खुद आ गए हैं भाई, देखते क्या करते हैं। और शॉट मारा यार, ओ भाई 4 छोड़ दिया भाई, कई सालों बाद बैटिंग करते हुए नज़र आते हैं और आज मजबूरी थी तो बैटिंग पे आए, क्योंकि तमाम प्लेयर आउट हो चुके थे और अगर अक्कन भाई यहाँ पे मैच जितवा देते तो बाकी एक लेजेंड का किरदार अदा कर देंगे इस मैच के। ओए, क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है यार अक्कन भाई की तरफ से। यार बाबर भाई कितने सालों के बाद करी होगी बैटिंग, ये अर्से के बाद आते ना बैटिंग पे, क्या बात है भाई, 3 साल के बाद आके भी ऐसी बैटिंग करना किसी बस की बात नहीं यार, किसी के बस की बात। ओए अच्छा बॉल, चल बाबू कोई बात नहीं, बाबू से बॉल छोड़ दिया, 4 बॉलें 11 ला मुझे दे दो, 4 बॉलें 11 और शुक्रिया बहुत बहुत पानी का, बाबर भाई ने मान लिया, पानी मंगाया, ब्रॉडकास्टर हैं बहुत अच्छे, पानी मंगाया इन्होंने, और ये इनका पेज भी है FB पे RJ बाबर के नाम से, आप ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा, अच्छी क्रिकेट दिखाते हैं, लाइव क्रिकेट दिखाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, 4 बॉलों पे 11 रन और देखते हैं कि बताइए बॉल कैसा करते हैं। और अरे 6 हो गया यार, ये बॉल बचाना पड़ेगा, आखिरी बॉल करेगा ओवर का, अच्छा बॉल, कमेंट्री चेक करें, अक्कन भाई को गुस्सा, बहुत गुस्से में भाई अक्कन भाई। चले भाई 1 ओवर में 26 रन चाहिए, 4 छक्के लगाने, 6 बॉलों पे अक्कन भाई करेंगे सामना अहमद गुड्डू का। ओए भाई अक्कन भाई लगे हुए, अक्कन भाई अभी तक मैच में ऑन है, हार नहीं मानने वाले अक्कन भाई यार, क्या बात है इनकी यार, ऑलमोस्ट 15 से 20 साल से हम इनको क्रिकेट में देख रहे हैं और आज मैंने इनकी बैटिंग देखी है, क्योंकि आते नहीं है, लेकिन आज जब सारे बैट्समैन इनके आउट हो गए थे तो अक्कन भाई ने हिम्मत नहीं हारी, 5 पे 20 और ये अच्छा बॉल है अहमद का, 4 पे 20 दरकार, अहमद करेंगे बॉल फेस करेंगे अक्कन भाई, दिल लेजेंड,
बड़े ही शानदार बैटिंग करी है आके, टीम के लिए अच्छा किरदार अदा किया बैटिंग में, 4 बॉल 20। ओहो हो, आराम से बॉल पकड़ लें आप, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। 3 पे रह गए अब 19 रन। बाबू की एक अच्छी कीपिंग, देखें भाई 3 बॉले 3 छक्के सुपर ओवर होकर लेकर आएंगे, ऐसे ब्रॉडकास्टर बाबर भाई बोल रहे। बाकी फराज भाई के ऊपर है कि वो 3 पे 3 छक्के मार के अपनी टीम को सुपर ओवर में लेके जाते हैं या 1 बॉल डॉट करके हमें विन करवा के आगे स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं। फराज भाई करेंगे फेस, अहमद करेंगे बॉल, अच्छा बॉल, और मैच ऑलमोस्ट ख़त्म क्योंकि अब रह गए 2 पे 18। 2 बॉले 18। ये मैच तो भाई हमारा बच गया, 92 किए थे, 18 उसमें से अगर हम अभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी भी 2 बॉलें बची है, आई थिंक 92 ही करना पड़ेंगे या तो 100 करना पड़ेंगे क्योंकि इस ग्राउंड में रन काफ़ी लग रहे हैं और हमारी जिस तरह की बॉलिंग है इतनी कोई ख़ास नहीं है कि हम 80-85 रन बचाएं। 2 बॉलें 18, एक और अच्छा बॉल और यहाँ हम मैच जीत गए, बहुत आला यार। आखिरी बॉल और ये टॉपेज कैच करेगा ये बॉय, चलो नहीं करा, मैच में कर, वेल प्लेड यार, बहुत अच्छे बॉयस, बहुत आला बॉयस, शाबा यार फाइनली ये मैच जीत गए, बहुत आला यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू यार। नासिर गुड कैच यार, वैसे आपस की बात बताओ, मैं समझा तू रक्षे के ऊपर चढ़ गया, बहुत आला यार, गुड ओवर मुतैया, गुड ओवर यार, कप्तान बहुत अच्छी फील्डिंग थी माशाल्लाह यार, लवली मेरी जान, शुक्रिया यार, वेरी वेल प्लेड भाई, मैच टर्निंग ओवर ही है, जो बात है वरना मैच हमें लग गया था, ये बहुत बहुत वेल बॉलिंग यार आपकी, और ब्लॉग में एंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुतैया भाई, अहमद भाई बहुत अच्छी रनिंग की आपने, थैंक यू, बहुत अच्छा, गुड फील्डिंग मेरी जान, गुड फील्डिंग रशी के ऊपर जो आप बैठे थे बहुत अच्छा लगा हमें। फैसल भाई क्या कहना चाहेंगे, आपने फाइनली 16 रन कवर किया, 27 नहीं दिए इस बार, आप कुछ कहना चाहें पहले इसके बारे में, क्या कहें यार, ये मुझे लग नहीं रहा कि हो गया इससे, मुझे अभी भी इसने मैं सेटिस्फाई नहीं उसकी बॉडी से, खुशी है भाई, खुशी है मेरे पास, कैसे करूंगा मैं गेम यार, फटे हुए जूते हैं, 8 साल होगा जूता ले रहा है मुझे यार, मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, पीसीबी जो है वो अच्छा, फोन नहीं लाया, फोन दिखा, फोन दिखा, बाबू के पास कौन सा मोबाइल है जो जिससे अभी वीडियो बना, 15 प्रो मैक्स ना, सिर्फ 15 प्रो मैक्स इसके पास, वो कह रहा है जूते के गिरा भी था विकेट पे, शायद गिरा था ना, अबे वो अहमद, अबे अहमद का था वो, ये था ये 11 प्रो नहीं है, ये 16 प्रो मैक्स है, मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप डालें मेरे लिए एक फंड बॉक्स जूतों के लिए, सब डालेंगे उस पे पैसे, जूतों के लिए तो डाल देंगे, जब आप 27 रन करेंगे तो उस पे जो जूते पड़ने चाहिए उसके लिए वो जूते का जमा करें, टूटा हुआ स्टेप, कटी पहाड़ी बनी है यहाँ पे, माउंट एवरेज जैसा वहाँ पहाड़ है, वहाँ कहाँ कहीं करेंगे हम लोग यार। अच्छा फैसल भाई मैच को सम अप करें आप, अच्छा मतलब पहला मैच था, 6 टीमें का इवेंट है, अच्छी बात है गर्मी बहुत है, अब आ गए हम सेमीफाइनल में, अब हमारा बहुत देर बाद मैच है, 4-5 घंटे बाद मैच होगा, तो ये कि बंदे रिलैक्स हो जाएंगे, सेमीफाइनल में पढ़ना बहुत लंबी थी, नींद कर ले हम लोग जाके, सिर्फ 2 मैच जीतने हैं 25,000 रुपए के लिए, 25,000 रुपए के लिए 2 मैच, लगभग अब मैंने उठा दिया, भूख लग रही है, नाश्ता नहीं किया, तू मुझे क्यों बोल रहा है, तू साथ चलेंगे ना, आप भी टीम में, डर गया ना मैं, डर गया ना यार मैं, डर गया, तुम भी चलो साथ, चलो गुड हो गया, मैदान चलते हैं मंदी मंदी यार, तुम मैदान चलते हैं मंदी मंदी खाते हैं तेरा मटन की ना, क्योंकि अब सेमीफाइनल मैच है, तो मैं बता कि लड़के ये सोच के गाओ सेमीफाइनल भी खेलना है, टूर्नामेंट थोड़ी जीते हैं, बॉल बगैर घाई नहीं पहुंच रही, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं तो मना करेंगे, बात तुझे सोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह तू परफॉर्मेंस दे रहा है ना माशाल्लाह, खुद ही करंट आ रहा है, कोई ना कोई तो ये डोनेशन देगा। तो गाइस हम लोग टूर्नामेंट का जो पहला मैच है जीत के हम सेमीफाइनल में इजीली पहुंच चुके हैं, कप्तान सेमीफाइनल में, अब हमारा मैच आएगा 4 दिन के बाद, मजाक कर रहा हूँ मैं, 4 घंटे के बाद हमारा मैच है, अभी जा रहे कुछ खाने पीने, वहाँ खाएंगे, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।